सेक्रेटरी डीओटी से मिलने का एक मौका मिला। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, कितना समय हमको सेक्रेटरी डीओटी दिए मालूम है? 4 मिनट, केवल 4 मिनट। के बारे में हमारे पास कोई आइटम नहीं, फाइल बंद हो गया। आपका पेंशन रिविजन के बारे में हमारे पास कोई फाइल नहीं, बंद हो गया। ये हालात है कमरे, ऐसी परिस्थिति में हम आज हमारा ताकत सरकार को दिखाने के लिए ये मार्च संचार भवन कंडक्ट किए। जो सरकार का कहना है, पिछले 3 साल में 1/1/17 से पहले 3 साल बीएसएनएल लाभ नहीं कमाया, इसलिए वेतन पुनरीक्षण नहीं देंगे, ये बीएसएनएल के लिए लागू नहीं होगा। हम कई बार बोल चुके, 2006 लेकर 2012 तक बीएसएनएल को इक्विपमेंट खरीदना नहीं दिया सरकार। एक एक करके सभी टेंडरों को सरकार कैंसिल कराया, इसके वजह से ही बीएसएनएल घाटे में गया। मेरा कहना नहीं, पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का कहना है। रविशंकर प्रसाद जी का कहना के हिसाब से कंपनी घाटे में गया, कर्मचारियों के वजह से, ऑफिसरों के वजह से, मैनेजमेंट के वजह से नहीं, लेकिन सरकार के वजह से। तो हमको कैसा वेज रिविजन मना नहीं कर सकता। सबसे खतरनाक वाली बात यह है, टावर कंपनी, मेरा दिल में दुख भी हो रहा है, जो टावर कंपनी का खतरा है, हमारा कॉमरेड पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं किए। पहले बोले टावर कंपनी बीएसएनएल मैनेजमेंट के नीचे कंट्रोल में रहेगा, लेकिन बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी मालूम नहीं, एक आईएएस ऑफिसर को टावर कंपनी का सीएमडी पोस्ट में बिठा दिया। मतलब सब्सिडरी टावर कंपनी बीएसएनएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल में नहीं रहेगा। मतलब आपका लगभग 70,000 मोबाइल टावर्स सरकार के कब्जा में जाएगा। सरकार उसमें एक प्राइवेट पार्टनर को जल्दी से जल्दी लेके आएगा। प्राइवेट पार्टनर टर्म्स डिक्टेट करेगा, जो पैसा लेके बीएसएनएल को कवर दे रहे, ये किराया काफी नहीं बढ़ाओ। आपको मान लो वेज रिविजन मिल चुका है, उसके बाद हमारा सारे टावर प्राइवेट कंट्रोल के कंट्रोल में जाएगा, तो हमारा भविष्य क्या होगा? इसलिए कॉमरेड्स, किसी भी हालात में टावर कंपनी को अलाउ नहीं करना चाहिए। 30% फिटमेंट लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और एक व्हाट्सएप मैसेज किसी ने भेजा, पूरा देश में ये पहुंच गया। व्हाट्सएप मैसेज क्या है? सरकार रिटायरमेंट एज को 7 से 58 तक कम करके आपको वेज रिविजन देना चाहता। किसी बदमाश ने ये अफवाह फैलाया। कॉमरेड, रिटायरमेंट एज 7 से 58 तक कम होने के बावजूद भी वेज रिविजन सरकार नहीं देगा। इसलिए हमको लड़ना बहुत जरूरी है। और भी जनरल सेक्रेटरी बात करने वाले हैं, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। समाप्त करने से पहले यह चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं। कॉमरेड तपन सिंह ने बताइए, इस कंपनी को डेवलप करना भी हम चाहते हैं, बिगाड़ने भी हम चाहते हैं। तालियां तो बहुत जोर से लगा रहे, लेकिन क्या हुआ? वर्क अकॉर्डिंग का
वर्क अकॉर्डिंग टू रूल का कॉल दिया गया, कहीं भी 1% भी सर्विस बिगड़ा नहीं। ये भट्टू वर्क अकॉर्डिंग टू रूल करने का तरीका है नहीं कॉमरेड्स? इस महाचू संचार भवन से वापस अपना अपना सर्कल, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, उसको पूरी तरह हम इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लेकर के सरकार मैनेजमेंट हमको बुला के जो हमारा मांग है उसको सेटल करना चाहिए। उस हिसाब से वर्क अकॉर्डिंग टू रूल को आप सफल बनाइए। एक सूचना है ऑल यूनियन एसोसिएशन लीडर्स को, मंत्री ने कल बुलाइए, कल मतलब सैटरडे 24 12:30 बजे हमको टाइम दे रखे। कल 12:30 बजे हम लोग जाएंगे मंत्री के पास, लेकिन आप लोगों के बीच में ये गलत फहमी रहने का जरूरत नहीं। माननीय मनोज सिन्हा मंत्री जी बुलाएंगे हमारा नेता लोगों को, बिताएंगे, बातचीत करके पेज रिविजन टावर कंपनी सबको सेटल कर देंगे। प्लीज, वैसा कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये आपको बोलना चाहता हूं, केवल हमारा लड़ाई के माध्यम से हम हमारा मांगों को पेज रिविजन टावर कंपनी 30% सुपर एनुएशन बेनिफिट, पेंशन डिविजन, रिटायरमेंट एज, सबको हमारा लड़ाई के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से ही सेटल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एकता को और मजबूत बनाना बहुत बहुत जरूरी है। किसी को भी, मैं बड़ा यूनियन हूं, आप छोटा यूनियन, वैसा ईगो होने का जरूरत नहीं। अगर सारे एसोसिएशन यूनियन एक साथ रहेंगे तो हम जीतेंगे, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमारा एकता को मजबूत करिए कॉमरेड। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट कॉमरेड चंदेश्वर सिंह, जनरल सेक्रेटरी NFDE, टू स्पीक बिफोर यू। Amen.